जबलपुर माढ़ोताल में स्थित शासकीय आईटीआई कॉलेज में एमपी स्टूडेंट यूनियन छात्र संगठन के द्वारा कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए संयुक्त संचालक को ज्ञापन सौंपा है। छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्दी ही पूरी नहीं होती हैं तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। ये संभागीय गवर्नमेंट आईटीआई में लगातार करोड़ों रुपए के भवन निर्माण किए गए, चीज़ें खरीदी गई, लेकिन आज भी छात्रों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ना ही यहाँ प्रशिक्षण अधिकारी मौजूद हो रहे हैं। छात्र आज यहाँ पे मूलभूत सुविधा वाटर कूलर खरीदे गए लेकिन वो फिट नहीं करे गए, तो आज इस ग्रीष्मकालीन सत्र में भी छात्र पानी के लिए प्रताड़ित हो रहे हैं। काफ़ी कोर्सेस DST कोर्स वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं, महिला आईटीआई बंद कर दी गई है, और भी तमाम अनियमितताओं को लेकर यहाँ आज हम लोगों ने संयुक्त संचालक महोदय से निवेदन करा है कि इन सब मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एमपी स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जो अभी ज्ञापन दिया गया है उसमें मुख्य जो रूप से है वो पानी की व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा है। इसके अलावा जो महिला आईटीआई में जो कोर्स संचालित थे उनके बारे में है, DST ट्रेनिंग के बारे में है, और पार्किंग की समस्या। तो अभी हमारी उनसे चर्चा हुई है और उनको हमने बताया है कि भाई इन समस्याओं में जो भी समस्या जल्दी से जल्दी हम लोग निराकरण करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि डिविजनल आईटीआई का कंस्ट्रक्शन चल रहा है आईटीआई में, और वो डिविजनल आईटीआई में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कुछ व्यवस्थाएं हो सकती है, और उसका कारण यह है कि अभी सिविल कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ नहीं है, तो हम लोग जल्द से जल्द ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए। तो ये जो आईटीआई बनने वाली है ये सब पूरे ज़िले में नहीं पूरे संभाग में एक सबसे अच्छी आईटीआई बनेगी। जबलपुर में गौर नदी के संरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं पिछले कई सालों से गौर नदी का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है, जहां ना तो जिला प्रशासन और ना ही सरकार के द्वारा गौर नदी को संरक्षित करने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार और जिला प्रशासन से गौर नदी को संरक्षित करने की मांग की गई है। आज हम सभी ने यहाँ पे गौर तिराहा पे गौर नदी संरक्षित करने के लिए और उसका जल जो है नर्मदा नदी में जा रहा है, जो कि हमारी जीवनदायिनी नर्मदा माता है, उसका जल प्रदूषित हो रहा है। हम यहाँ पे आज धरने पे बैठे हुए हैं ताकि हमारी गौर नदी जो है वो उसको स्वच्छ किया जाए, और शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उसमें जो डेयरी का पानी जा रहा है, मलमूत्र जा रहा है, और जो पशु के जो बछड़े होते हैं वो मृत हो जाते हैं, उनको भी जो है उस पानी में फेंक दिया जाता है, उसके कारण जो है पानी प्रदूषित हो रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये गौर नदी की जो गंदगी है उसको अतिशीघ्र साफ करे, स्वच्छ करे, ताकि उसका पानी पीने लायक रहे। एक STP नहीं लगाया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि गौर नदी के किनारे जितने भी पर्यटक के किनारे जितनी भी डेयरियाँ थी उसको हटाने के निर्देश हो चुके हैं कोर्ट के द्वारा, जी उसका पालन लगभग 3 साल से हो चुका ऊपर, और अभी तक नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं महापौर, बातें बड़ी बड़ी करते हैं BJP, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम संरक्षण करेंगे, और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद यह हाथ की सुन है। जबलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक मौत हुई है। मृतक की उम्र 73 साल की थी, जो सिविल लाइन निवासी थे। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को बीमारी के कारण निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका सैंपल टेस्ट लिया गया तो रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। जबलपुर की मोक्ष संस्था ने चौहानी शमशान घाट में 73 साल के बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करवाया। मोक्ष संस्था के आशीष ठाकुर ने बताया कि इस साल की जबलपुर में ये पहली मौत है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया गया है। आज जबलपुर में पहली मौत हुई है श्रीराम चड्डा जी की। 73 वर्षीय वृद्ध है, वो बीमार भी थे, इलाज चल रहा था उनका, जिनका प्रोटोकॉल के तहत मोक्ष संस्था के द्वारा अंतिम संस्कार कराया गया है चौहानी शमशान घाट में। साउथ सिविल लाइन के रहने वाले हैं श्रीराम चड्डा जी, और इनके बच्चे उपस्थित थे, बच्चियाँ थी, और उनके समक्ष प्रोटोकॉल में अंतिम संस्कार कराया गया, जिसके लिए मोक्ष से आग्रह किया गया था। जबलपुर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा। जबलपुर जिले में खुले कुओं और बावड़ियों को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा, ताकि इसमें गिरकर किसी की भी मौत ना हो। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अभी तक लगभग 118 कुएं और 16 बावड़ियों को चिन्हित किया गया है। जे बावली है उजारपुरबा के नाम से बचती है, उजारपुरबा बावली आते हैं, हर बार सफाई हो जाती है,
बनेगी बनेगी बोल दे, फिर कुछ काम नहीं, ये बाउंड्री वगैरह भर बनी है, उसके बाद कोई काम ही नहीं है, पानी फिर वही गंदा का गंदा हो जाता है। हाँ, वो तो हर तीसरे साल में हादसे होते ही हैं, यानी चाहे वो जानवर के हों चाहे इंसान के हों। अब भाई जाल डल जाए, बंदोबस्त हो जाए, सारी व्यवस्थाएँ हो जाएँ, तो उसमें गंदा पानी भी ना जाए, साफ रहेगा तो हम लोग भी यूज कर सकते हैं। अभी क्या वो पूरी चोई लगी है कि गंदा है, कौन यूज के बास मारता है? जो बावली वगैरह है तो उसके निरंतर सफाई तो हम लोग करते रहते हैं, साल में एक बार पानी निकाल के साफ करना, लेकिन वो रुका पानी है, लोग कचरा वगैरह डालते हैं तो फिर से हो जाता है। बाकी जो उसके सुरक्षा और मरम्मत का कार्य है उसका सर्वे हमारे यहाँ जो भवन शाखा के लोग हैं वो उसको कर रहे हैं और वो उसमें वो आवश्यक करें। बाकी सफाई का काम पहले हुआ, हम फिर से उसको चालू कर रहे हैं, अभी एक दो बावली साफ भी हुई है, उसको स्टार्ट कर दिया है साफ करने का। जबलपुर में रहने वाली मां एसपी कार्यालय पहुंची, जहां पीड़िता ने बताया कि बीते दिनों पास में ही रहने वाले एक युवक ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था और बलात्कार किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन अब आरोपी के परिवार वाले केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। 9th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या दिक्कत आ रही है आपको? उस लड़के के कारण ना मेरे परिवार वालों के ऊपर ना दबाव बनाया जा रहा है, उसके परिवार वाले मेरे परिवार वालों को बहुत परेशान कर रहे हैं, आए दिन मुझे भी प्रताड़ित करते हैं। मैं ये चाहती हूँ पुलिस प्रशासन हम लोग का साथ नहीं देगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, कि केस वापस ले लो और मेरे लड़के को छुड़वा दो। उसने मेरे साथ गलत किया, मैंने मना किया, उसके बाद भी उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। वहाँ पर मेडिकल चेकअप भी हुआ, उसका DNA टेस्ट भी हुआ था, मेरा भी हुआ था, पॉजिटिव आई रिपोर्ट। बरगी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे नर्मदा उत्खनन को लेकर आज मध्य भारत मोर्चा के सौरभ यादव और अन्य सदस्य कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अवैध उत्खनन की वीडियो दिखाते हुए इन्होंने इसे तत्काल रोकने की मांग की है। मध्य भारत मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि एक हफ्ते पूर्व हुई अवैध खनन की शिकायत अधिकारियों से की गई थी, लेकिन एक हफ्ते का समय देकर कार्रवाई करने की बात कहते हुए टाल दिया। पिछले सप्ताह अवैध उत्खनन को लेकर हमने माइनिंग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था और काली पट्टी सौंपी थी, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर हम कलेक्टर साहब के पास आए थे, जहां हमने अपनी शिकायत रखी कि जो अवैध उत्खनन नर्मदा जी में चल रहा है, जो पोकलैन मशीनें लगाकर बड़ी बड़ी जो रेत निकाली जा रही है उस पर रोक लगे, उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि कुछ ऐसे घाट हैं जो सेंक्शन भी नहीं है, उनमें नियम विरुद्ध मशीन उतार कर जो अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है, इसके विरोध में आज हम मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारी आए और हमने मांग करी कि इस पर रोक लगे। जन सुनवाई में हमने अपनी मांग रखी।